Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. And today we are going to learn the tenses, which is past simple या past indefinite. आज जो कि हमारा topic tenses के हवाले number 2 pieces past indefinite के हवाले से है. जिस तरह पिछली वीडियो में अगर बात करूँ तो पिछली वीडियो में हमने present simple को define किया, उसके जुमले वगैरह formula सब कुछ explain कर दिया detail में. आज जो कि हमारा topic past simple और past indefinite. इस past simple को हम past indefinite भी कह सकते हैं. आज इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स, इसकी फार्मूला सब डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, यानी इसका रिकॉग्नाइज पहचानने का तरीका, यानी ये किस तरह हम इसे पहचान सकते हैं कि ये पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल में या तो आएगा था, थी, थे. इसके लास्ट में हमारे पास था, थी, थे आएगा. किस तरह अगर मैं एक जुमला बनाऊँ कि वो यहाँ आया था, वो यहाँ आया था, उसने खाना खाया था, मैं वहाँ गया था, यानी जो पास्ट की हम बात करें, जो काम गुजर गया हो उसकी अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास पास्ट सिंपल आएगा. अगर सिंपल आप ये जहन में रख सकते हैं कि जो काम हो गया वो हमारा सेकंड फॉर्म बन गया. जिस तरह कि मैं यहाँ से गया, मैं स्कूल गया, जिस अभी मैं यहीं से निकल गया तो हमारा काम हो गया, ये हमारा सेकंड फॉर्म बन गया. या था, थी, थे भी लास्ट में आ सकते हैं. जैसे कि मैंने क्रिकेट खेला था, यानी खेला था पास्ट में खेला था. अगर प्रेजेंट की बात करें, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. अगर पास्ट की बात करें तो मैंने क्रिकेट खेला या मैं क्रिकेट खेलता था. ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है. हम इसको किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अब इसकी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, यानी इसका बनाने का तरीका. हमारे पास फॉर्मूला, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट में आपको पता है हमारे पास सब्जेक्ट 8 होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम. ये हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं. और पास्ट सिंपल में जो कि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. किस तरह, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म देखी जाए, एक अगर हम लिखते हैं गो, गो, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है. अगर इसकी सेकेंड फॉर्म की मैं अगर बात करूँ तो इसकी सेकेंड फॉर्म है वेंट. तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म इसके अंदर आएगी. फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी. गो, वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास वेंट गोन आती है. तो ये हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. इंटलास हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा. ये है हमारे पास पॉजिटिव जुमले, जिसमें यानी पॉजिटिव के अंदर कोई इनकार नहीं होगा. जैसे अगर मैं जुमला बनाऊं कि उसने खाना खाया था, इसके अंदर नहीं वाले कोई सेंस नहीं है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव है. ये हमारे पास नेगेटिव है. नेगेटिव के अंदर ये हमारे पास इनकार होती है कि मैंने ये नहीं किया था, मैंने किताब नहीं पढ़ी थी. मतलब जहाँ नहीं वाले सेंस आ रहा, वो हमारे पास नेगेटिव कहलाता है. तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा. और इसमें एक ये है कि इसमें हमारे पास डिड नॉट आ जाएगा. ये हमारे पास नेगेटिव, यानी पास सिंपल के नेगेटिव के सेंटेंस है. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. क्योंकि अगर डिड को देखा जाए, ये डू की सेकेंड फॉर्म है. डू, डिड, यानी पहले से ये वर्ब सेकंड फॉर्म बन गया. तो उसके बाद नॉट आएगा. डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी. और इट द लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव, यानी सवालिया की तरफ. क्या तुम वहां गए थे? क्या तुमने कंप्यूटर इस्तेमाल किया था? क्या वो आयशा आई थी? क्या आयशा ने शादी की? इस तरह यानी सवालिया में हमारे पास ये इंटरोगेटिव जिसे हम कहते हैं उसमें आएगा. सबसे पहले हमारे पास डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डेट पहले से ही आ गया, इसकी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और द लास्ट क्वेश्चन मार्क इस वजह से आएगा क्योंकि ये हम सवालिया करते हैं. अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, यानी इसके अंदर हमारे पास सवाल भी होगा, इनकार भी हो गया. जिस तरह अगर मैं जुमला बनाऊँ, क्या तुमने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था? क्या तुमने वीडियो नहीं देखी थी? यानी नहीं और सवालिया दोनों आ जाए, वो हमारे पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहलाता है. सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा. डिड के सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आप ये जहन में बैठ जाइए. तो इसका फॉर्मूला, अगर मैं एक ऐसी जुमला बना दूं कि मैंने क्रिकेट खेली थी, यानी ये मैंने पास्ट में किया था, मैंने क्रिकेट खेल ली थी. इसको हम इस तरह बनाएंगे, जिस तरह अगर मैं करूं आई, ये हमारे पास सब्जेक्ट आई आ गया, मैं आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है. आई वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. तो फर्स्ट फॉर्म अगर खेलने की देखा जाए, जो वर्ब हमारे पास है वो है हमारे पास प्ले, आई प्ले, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म इसकी प्लेड है. आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली थी, यानी ये बात हो रही है पास की. थी आ रहा है, था, थी, थे, जहाँ हमारे पास आए या जो काम हमारे पास हो गया वो हमारे पास पास सिंपल बन गया. अगर मैं एक दूसरा जुमला बनाऊं कि वो यहां आया था,
यानी ये आया था पास्ट में आया था। अब इसकी अगर इंग्लिश में बनाने इसका ट्रांसलेट करें तो ही हमारे पास वो आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आने वर्ब है, वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म कम है, लेकिन कम की अगर सेकंड फॉर्म देखी जाए वो हमारे पास है केम, ही केम हियर, वो यहां आया था। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली थी, वो यहां आया था, यानी पास्ट में आया था, ही केम हियर। अगर बात करें नेगेटिव की कि मैंने खाना नहीं खाया, नहीं खाया या नहीं खाया था, ये दोनों सेंस आ सकते हैं। यानी ये हमारे पास नहीं, मैंने नहीं खाया अभी अभी, मतलब मैंने खाया नहीं, तो ये हमारे पास सेकंड बन गई। सबसे पहले अगर नेगेटिव की बात करें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास आई है, उसके बाद डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट, डिड नॉट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है ईट, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया था या मैंने खाना नहीं खाया। तो इस तरह अगर जब भी डिड नॉट आ जाए, डिड नॉट के बाद वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म बनेगी। अगर एक और जुमला में बनाऊं, जिस तरह के अली नहीं खेली थी, यानी अली ने क्रिकेट नहीं खेली थी, इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अली, अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये था हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, मैंने ये बना दिए, इसके इसे देख के आप इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पास सिंपल, अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, इसके आखिर में हमारे पास था, थी, थे, आए, या जो काम हो गया वो हमारे पास सेकेंड फॉर्म बन गया। जिस तरह अगर मैं एक और जुमला बनाऊं कि आई मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया, आई यूज मोबाइल नहीं आएगा, आई यूज मोबाइल आएगा। अगर नेगेटिव की बात करें आई डिड नॉट यूज मोबाइल, इंटरोगेटिव की बात करें डिड आई यूज मोबाइल, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर बात करें तो डिड आई नॉट यूज मोबाइल। तो इस तरह हमारे पास ये जुमले मुकम्मल हो गए। इसके अलावा भी आप जुमले बना सकते हैं। अगर मैं जिस तरह मैंने प्रेजेंट सिंपल में आपको कुछ चार जुमले बनाने के लिए दिए थे, अगर मैं उसको एक दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह चार जुमले इसमें आप बना ले तो चार और चार आपके पास ये आठ जुमले हो गए। जिस तरह अगर मैं एक जुमला बनाऊँ कि आई ऑपरेट कंप्यूटर, ये प्रेजेंट सिंपल का है। इसके अगर नेगेटिव की बात करें आई डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, डू आई ऑपरेट कंप्यूटर, डू आई नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। अब आगे पास की तरफ, आई ऑपरेटेड कंप्यूटर, आई डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, डिड आई ऑपरेट कंप्यूटर, डिड आई नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। तो इस तरह ये आप प्रैक्टिस में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पास सिंपल समझ आ गया होगा, और ये जिसे हम पास इंडेफिनेट भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम विल के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी डिटेल के बारे में, उसको किस तरह यानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।